एक स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट मेनू के अंतर्गत वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप और सिग्नेचर लाइन के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कल ट्रिक पार्ट तक बता दिया था ना, वर्ड आर्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जैसे कि वर्ड आर्ट का प्रयोग हम तब करते हैं जैसे कोई फॉर्म वगैरह बनाना हो, तो विशेष प्रकार का फॉर्मेटिंग आपने देखा होगा। कोई फॉर्म वगैरह बनाया जाता है तो उसमें विशेष हेडिंग लिखा जाता है, कुछ मोटे लेयर में ऐसे हेडिंग लिखा जाता है। तो ये फॉर्म वगैरह बनाने के लिए हम वर्ड आर्ट का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। इसमें इतना सारा वर्ड आर्ट आपका दे रखा है, कोई सा भी एक वर्ड आर्ट यहाँ पे सिलेक्शन करिएगा। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया गायत्री कंप्यूटर, गायत्री कंप्यूटर पटरौना। देखिए, इतना लिखने के बाद ये चूंकि विशेष प्रकार का एक वर्ड आर्ट होता है और इसके माध्यम से जो मैंने टाइप किया है, जैसे ही हम इसको इंसर्ट करते हैं तो एक फॉर्मेट टैब ऑप्शन खुल करके आ जाता है। इसकी पूरी फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉर्मेट टैब का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा मूव कराएं, गोल टाइप मतलब ऐसे राउंड टाइप में ऐसे मूव कराएं, तो इसके इंटरफेस को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आइएगा, इसका नाम है क्या, टेक्स्ट इफेक्ट। इस पे जस्ट क्लिक करिएगा और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ से आपको मूव करा सकते हैं, कुछ ऐसे मूव इनटू कर, कुछ ऐसे मूव करेंगे। इस तरीके से फॉर्म वगैरह बनाया जाता है जिसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। फिर आप इंसर्ट टैब में आइए और फिर यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले वर्ड आर्ट पे। फिर यहाँ से एक दूसरा वर्ड आर्ट आप ले लीजिए, जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया और इसमें हम टाइप कर देते हैं इसमें हम थोड़ा सा हिंदी में टाइप कर देते हैं, कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान। कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, देखिए इतना बनाने के बाद अब इसको भी हम इसी के नीचे एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। इससे प्लस पॉइंट क्या होता है, इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं और यहाँ पर जहां पर भी इसको एडजस्टमेंट करना है एडजस्टमेंट इसका करा सकते हैं। ठीक है, और भी इसकी कलर वगैरह चेंज करना है तो डेटा को सिलेक्शन करिए, फॉर्मेट टैब पे आ जाइएगा और यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्स्ट की कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसा इंटरफेस में आपको देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड आर्ट का ज्यादा मात्रा में हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। वर्ड और आर्ट मतलब थोड़ा सा उसको अच्छे टाइप से लिखना, एक प्रकार की अगर आप देखे हैं तो बहुत सारे ऐसे फॉर्म बनाए जाते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि एडमिशन का फॉर्म वगैरह बनाया जाता है, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म वगैरह बनाए जाते हैं, इसमें वर्ड आर्ट का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम वर्ड आर्ट का प्रयोग करते हैं। और भी इसमें बहुत सारा फॉर्मेट दिया है, किसी भी फॉर्मेट में आप टाइप कर सकते हैं, ये सब वर्ड आर्ट का ही ऑप्शन दिया है। अगला क्या दिया है, तो ये है आपका ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप का क्या प्रयोग है, तो जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, उसमें से अगर कुछ टेक्स्ट टाइप किया गया होता है तो उसमें से मतलब कुछ टेक्स्ट ऐसा होता है जिसको 2 से 3 लाइन के बराबर किया गया होता है, जैसे कि इसको मैंने टाइप कर दिया। अब देखिए इसमें ड्रॉप कैप का क्या प्रयोग है, अभी तो ड्रॉप कैप हाईलाइट नहीं था लेकिन ड्रॉप कैप का क्या प्रयोग है, तो देखिए जैसे कि आप यहां से सिलेक्शन करने के बाद अगर आप ड्रॉप कैप का यूज करते हैं तो यहां से कुछ ऐसे इंटरफेस में आते हैं। ठीक है, इसमें से केवल भी लेटर आपका लगभग 3 लाइन के बराबर होगा। फिर ऐसे ही इसको आप सिलेक्शन करके करते हैं तो उसमें क्या बड़ा होगा, टी बड़ा हो जाएगा। देखिए ड्रॉप कैप में टी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, गले हाथ लगा के मत बैठो, फिर नींद आएगा, नींद आएगा। फिर यहाँ पे आ जाइएगा, फिर आप इसको सिलेक्शन किए, यहाँ से भी ड्रॉप कैप का आप इस्तेमाल करेंगे तो देखिए ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें एक और भी ऑप्शन है, जैसे कि अगर आप इस तरीके से इसका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, इसको हम हटा देते हैं, अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते, मार्जिन में आप लगाना चाहते हैं, तो आप डेटा को सिलेक्शन करिए और ड्रॉप कैप पे जा करके और यहाँ पे इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्जिन। तो एक ही लेटर
लगभग 3 लाइन के बराबर हो जाते हैं। पुनः इसको सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद आप चले ड्रॉप पैड पे और यहाँ से मार्जिन का प्रयोग कर लीजिए। देखिए सेम वैसे ही आसन आ रहा है जैसे मैंने आपको बताया। ऐसे सिलेक्शन करने के बाद ड्रॉप कैप पे जाने के बाद इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर भी पढ़ने वाला ही पड़ेगा, वीडियो लिखा हुआ है, टूल लिखा हुआ है, थिंग्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ड्रॉप कैप होता है। अरे न्यूज पेपर में अक्सर देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है ना। अब चलिए, अब इसके बाद से अगला जो ऑप्शन आपका दिया है वो है आपका सिग्नेचर लाइन। क्या दिया है, सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जैसे कोई प्रिंट आउट निकाला जाता है तो उस पे सिग्नेचर किया जाता है, या आपने देखा होगा कि जब एप्लीकेशन टाइप करते हैं तो एप्लीकेशन जब लिख लेते हैं तो उसके नीचे राइट साइड में सिग्नेचर करते हैं ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि डिजिटल अगर आपको सिग्नेचर करना हो तो इसके लिए हम सिग्नेचर लाइन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब आपको करना क्या है, जैसे किसी पेज पे आपको सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करिए, ऐसे सिग्नेचर लाइन आ जाएगा। अब कह रहा है कि बताइए किस नाम से आप सिग्नेचर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दे रहा है नाम लिखने के लिए, तो नाम में मैंने भर दिया प्रशांत, मैंने नाम भर दिया प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार के नाम से सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। और फिर पूछ रहा था बताइए ये है क्या, इनका पोस्ट क्या है। तो एग्जाम्पल में दिया है जैसे कि मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया आपका, अकाउंटेंट हो गया। तो यहाँ पे पोस्ट मतलब यहाँ पे जो पोस्ट होगा यहाँ पे हम पोस्ट इनको हम टाइप कर देंगे, जैसे अकाउंटेंट मैंने टाइप कर लिया। अब ओके करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, देखिए दिख रहा है। इसे पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद फॉर्मेट टैब पे आइए और यहाँ से आप आ जाइएगा रैप टेक्स्ट पे और यहाँ से ले लीजिएगा बिहाइंड टेक्स्ट। अब आप इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करा सकते हैं, देखिए जहां पर भी आपको लेके जाना। वैसे सिग्नेचर पेज के लास्ट में रखा जाता है, यहाँ पे आप इसको रख सकते हैं, हो जाएगा। तो यही सिग्नेचर ऐड करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं एमएस वर्ड में। अगला क्या दिया है, तो डेट एंड टाइम। अभी करेंट की डेट एंड टाइम अगर आपको इंसर्ट करना हो एमएस वर्ड के पेज पे तो इसके लिए डेट एंड टाइम का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे जो आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम होगा वही शो करके दिखाएगा, अगर गलत है तो गलत दिखाएगा, सही है तो सही दिखाएगा। जैसे ही आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो देखिए इतना इंटरफेस आपके सामने आ गया। आप इसमें से कौन सी फॉर्मेट में आप डेट इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे इतना सारा फॉर्मेट में दिया है। देखिए अगर आप इसको इंसर्ट कराएंगे तो डेट के साथ साथ आपको टाइम के साथ मिनट सेकेंड वगैरह सब दिखाएगा, आप इसको इंसर्ट करा सकते, ठीक है। फिर मैंने एंटर किया, फिर यहाँ पे डेट एंड टाइम पे आ जाइएगा। यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है कुछ ऐसे इंटरफेस में डेट एंड टाइम आपको बताएगा, सब अलग अलग बताएगा आंसर। बस यहाँ पे क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ले सकते हैं जो भी यहाँ पे डेट एंड टाइम दिया हुआ है। देखिए इस तरीके से इस पे क्लिक करेंगे, अपडेट करेंगे तो जो आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम होगा वही एक बार अपडेट भी हो जाता है। देखिए कुछ अपडेट हो रहा है, क्या अपडेट हो रहा है, सेकेंड अभी 26 मिनट होगा तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका मिनट भी अपडेट हो जाएगा। तो ये आपका डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन होता है। अब देखिए इस पे क्लिक करते हैं, अपडेट करते हैं, देखिए अपडेट हुआ, कोई दिक्कत। तो ये हमारा डेट एंड टाइम का ऑप्शन होता है। अब चलिए अगला क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में दो ऑप्शन आता है, एक दिया है ऑब्जेक्ट और एक आपका दिया है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो दोनों का प्रयोग क्या है, तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो जैसे कि ऐसे रिक्वायरमेंट आपको आ जाए कि हम एमएस वर्ड के पेज पे हैं और डायरेक्टली एक्सेल का पेज ओपन करना चाहते हैं, या एक्सेल पे मान के चलिए कि आपने कोई चार्ट बनाया है उसी चार्ट को आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे ही ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ से वो सॉफ्टवेयर आप सिलेक्शन करिए जिस सॉफ्टवेयर पे आपको जाना है। देखिए जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट के नाम से दिया है ना, बस ओके करिए, एक्सेल के चार्ट पे लेके आ जाइए। क्या खुला हुआ है डेटा आपका, चार्ट का ही डेटा खुला हुआ है, किसका, एक्सेल का, साइड में कहीं क्लिक करेंगे तो गायब भी हो जाएगा। अब यही चार्ट आपके एमएस वर्ड के पेज पे आ गया, ठीक है। तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल क्या है, तो जैसे कि ऐसे भी डेटा है जो मैंने पहले से सेव करके रखा है
और उसी को हम एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर को ओपन कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करिएगा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर में लेके आएगा। और यहाँ से जैसे कि मैंने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ले लिया, यहाँ पे जैसे ही इंसर्ट कराएंगे तो ये डेटा आपके सामने आएगा। क्या मैंने अभी टाइप किया है बोलिए? तो ये पहले से डेटा बना हुआ है, इसको मैंने इंसर्ट करा लिया, कोई दिक्कत? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट में दो ऑप्शन देगा, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल और एक आपका ऑब्जेक्ट देगा। तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन का प्रयोग तब किया जाएगा जब किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को इंसर्ट कराना हो। जैसे यहाँ पे हम चले आते हैं ऑब्जेक्ट पे, और यहाँ से कोई और सॉफ्टवेयर अगर हमको ओपन करना है तो यहाँ से हम सॉफ्टवेयर को चेंज कर देते हैं। देखिए पावर पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसी पे क्लिक करिए और यहाँ से मैंने ओके कर दिया, पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, ये पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर आ गया। साइड में कहीं क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन गायब भी हो जाए। ठीक है, अगला क्या दिया है? इक्वेशन। इक्वेशन का हिंदी क्या होता है? समीकरण। क्या होता है? समीकरण होता है। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में लिखवाया भी है कि एमएस वर्ड का प्रयोग ज्यादातर क्वेश्चन पेपर बनाने में भी किया जाता है, मैंने लिखवाया है। तो जैसे कि अगर मान के चलिए आप कोई क्वेश्चन पेपर आप बना रहे हैं और उसमें इक्वेशन लिखने की रिक्वायरमेंट आ गई, समीकरण लिखने की रिक्वायरमेंट आ गई, तो इसके लिए आप इक्वेशन पे चले जाइएगा। यहाँ पे इतना सारा इक्वेशन आपको मिलेगा, कोई सा भी एक इक्वेशन आप इंसर्ट कराइए, कुछ ऐसा इंटरफेस में आपको मिलेगा। ये आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, ये तो समीकरण है। और भी इंसर्ट कराना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए, इंसर्ट पे आइए और यहाँ पे इक्वेशन पे आइएगा। यहाँ से और भी आप इक्वेशन यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। इंसर्ट पे आइए, इक्वेशन, यहाँ पे इतना सारा इक्वेशन दिया, देखिए कोई सा भी एक इक्वेशन, जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया, कॉस थीटा वगैरह ये सब पढ़े ही होंगे आप लोग, अल्फा बीटा गामा ये सब। अब इसमें भी कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो इसके साथ साथ एक डिजाइन टैब भी खुल करके आ जाता है, इसकी पूरी डिजाइनिंग करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सिंबल वगैरह लगाना हो, जैसे प्रोफेशनल दिया है, लीनियर दिया है, नॉर्मल टेक्स्ट दिया है, और भी यहाँ पे बहुत सारा सिंबल दिया है, ये सब रिक्वायरमेंट आती है तब जब कोई समीकरण वगैरह बनाते हैं। तो पूरा ऑप्शन दिया है, फ्रैक्शन दिया हुआ आपका, देखिए स्क्रिप्ट आपका दे रखा है, रेडिकल आपका दे रखा है, इंटीग्रल दिया है, लार्ज ऑपरेटर दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रेकेट आपका दिया हुआ है, ये पूरे ऑप्शंस का प्रयोग आप करके चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, ये पूरा समीकरण में ही यूज होता है, हो जाएगा? अब चलिए होम टैब, सॉरी इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन दिया है सिंबल। तो सिंबल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो याद करिए मैंने आपको होम टैब के अंतर्गत और यहाँ पे बुलेट्स के अंतर्गत डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जब आया था तो यहीं पे एक सिंबल आपको मिला था। कहाँ पे गए थे? सबसे पहले होम टैब के अंतर्गत और यहाँ पे बुलेट्स के अंतर्गत और यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स, यहाँ पे सिंबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए इतना सारा सिंबल आ रहा है ना, यही सारा सिंबल अगर आपको इंसर्ट मेनू से लेके आना हो तो आप क्या करिएगा, इंसर्ट मेनू पे आइएगा और यहाँ पे सिंबल पे आइएगा और मोर सिंबल पे आइए, देखिए वही आ गया पूरा, वही सिंबल है ना पूरा, देखिए। तो जैसे सिंबल का और भी क्या प्रयोग है, तो यहां से हम आ जाते हैं और इसको हम फॉन्ट को चेंज करके हिंदी फॉन्ट ले लेते हैं। जैसे अभी तो आपको कोडिंग तो पता है नहीं कि किस अक्षर से क्या लिखा जाएगा, हिंदी, और हम चाहते हैं हिंदी टाइपिंग करना कोड के माध्यम से, तो इंसर्ट पे आइएगा, यहाँ पे आपको आना है सिंबल पे, यहाँ से मोर सिंबल पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ से आप फॉन्ट को चेंज कर दीजिएगा, तो जैसे मैंने फॉन्ट को यहाँ से बदल करके दूसरा फॉन्ट ले लिया, यहाँ से 240 वाला फॉन्ट ले लेते हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल कि हमको पढ़ना टाइप करना है, तो यहाँ पे पढ़ना आपको टाइप करना है तो आप कैसे टाइप करेंगे, कोड पता होना चाहिए। तो पहले तो मैंने प इंसर्ट करा लिया, देखिए ठीक है, इसके बाद से ड, इसमें ड दे रहा है सिंबल, ड का सिंबल नहीं दे रहा है, ये रहा, इसको भी मैंने इंसर्ट करा लिया, इसके बाद से र, इसको भी मैंने इंसर्ट करा लिया, ठीक है, इसके बाद से आ की मात्रा, इसको भी मैंने इंसर्ट करा लिया, इसके बाद से औ की मात्रा होगी ना, तो यहाँ से औ की मात्रा,
इंसर्ट करा लिया मैंने, और यहाँ से नौ, नौ का ऑप्शन दिया है, ये रहा, इसको भी इंसर्ट करा लीजिए। आ की मात्रा की वैसे भी है, पटोना लिखा हुआ है। अब इसकी कोड बताएं, अगर आप कोड में टाइप करेंगे तो आई से प, शिफ्ट प्लस एम से ड, जे से र, के से आ की मात्रा, शिफ्ट के साथ यस से औ की मात्रा, यू से नौ और के से आ की मात्रा, जे से र, के से आ की मात्रा, शिफ्ट के साथ यस से औ की मात्रा, यू से नौ, के से आ की मात्रा, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा हिंदी टाइपिंग है, जो कोड के माध्यम से, अगर आपको कोड याद नहीं है और कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको टाइप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है सिंबल का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं, हो जाएगा। अब चलिए, इंसर्ट में तो मैंने पूरा बता ही दिया, कोई दिक्कत किसी को? डिजाइन भी मैंने पढ़ा ही दिया था पूरा, डिजाइन मैंने पढ़ा दिया था ना, इसमें वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर वगैरह सब मैंने बता दिया था, बताया था कि नहीं बताया था? चलिए अब हम बताते हैं आपको पेज लेआउट के बारे में। देखिए, पेज लेआउट के हम बारे में बात करें तो पेज लेआउट का प्रयोग एमएस वर्ड की पेज की सेटिंग करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई डेटा प्रिंट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि पेज की ओरिएंटेशन भी आपको चेंज करना होता है, पेज की साइज भी आपको चेंज करना होता है, पेज की मार्जिन्स भी आपको चेंज करना होता है, उस हिसाब से आपको बनाना होता है ताकि प्रिंटिंग करते समय कोई भी मैटर हमारा छूटे ना, आसानी तरीके से प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए हमको पेज लेआउट का प्रयोग करना होता है। तो जैसे कि इसमें क्या है पेज लेआउट का प्रयोग, तो चलिए पहले तो हम यहाँ से कुछ डेटा इंसर्ट करा देते हैं, कुछ यहाँ से हम पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। अब देखिएगा, इतना डेटा इंसर्ट कराने के बाद अब इसके बाद से आपको आना है पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पे आइएगा, इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया है, मार्जिन्स। अगर आप इसकी मार्जिन को चेंज करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट तो ये नॉर्मल मार्जिन सबका दिया होगा, सिलेक्शन कौन सा, नॉर्मल। लेकिन अगर आप नैरो लेते हैं तो नैरो में कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, देखिए कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। फिर अगर आप इसमें क्लिक करके, अगर आप इसमें मॉडरेट लेते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलता है, यहाँ पे अगर आप लेते हैं वाइड तो कुछ ऐसे इंटरफेस में डेटा आता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आप इसमें लेना चाहते हैं पेज की मार्जिन आप ले सकते हैं। मिरर मिलेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा आपको। तो बाय डिफॉल्ट किस में रहता है, नॉर्मल में रहता है, बाय डिफॉल्ट आप नॉर्मल में ही रहने दीजिएगा, नॉर्मल में ऐसे दिखाएगा आपको। अब इसके बाद से आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का हिंदी होता है पेज का प्रारूप। अभी किस ओरिएंटेशन में हमारा पेज दिख रहा है, दो ओरिएंटेशन होता है, एक आपका आता है पोर्ट्रेट, क्या आता है पोर्ट्रेट आता है, और एक आपका आता है लैंडस्केप, समझ में आ रहा है ना, एक आपका पोर्ट्रेट होता है और एक आपका लैंडस्केप होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जो प्रिंट आउट निकाले जाते हैं तो पोर्ट्रेट में प्रिंट होता है, और बहुत सारे ऐसे भी सर्टिफिकेट होते हैं जो लैंडस्केप में होता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी डेटा को प्रिंट करने से पहले पेज की सेटिंग करने के लिए आप पेज की ओरिएंटेशन में आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से पोर्ट्रेट को हटा करके लैंडस्केप भी आप ले सकते हैं, हो जाएगा। यहाँ से देखिए पेज की प्रारूप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ से वर्टिकल दिख रहा है और इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल आपको दिखेगा, हो जाएगा। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेज की सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। साइज के बारे में हम क्या बोले, तो साइज क्या होता है, हर एक प्रिंटर के पेज की साइज क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो प्रेसर में क्या होता है, फोर साइज का पेपर होता है, कोई भी प्रिंट आउट ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है तो ए फोर साइज के पेपर पे निकाला जाता है। तो पेज की साइज को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ए फोर बाय डिफॉल्ट किस साइज में, लेटर साइज में, लेकिन आप इसको चेंज करके ए फोर साइज में भी लेके आ सकते हैं, ये ए फोर साइज का प्रिंट आउट है। अब कंट्रोल पी करके आप चेक कर लीजिए कि कैसा डेटा दिख रहा है आपको, कंट्रोल प्लस पी, ऐसे ही प्रिंट आउट आपको दिखेगा, ठीक है, ऐसे ही प्रिंट आउट आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ से भी आप ओरिएंटेशन इसका चेंज कर सकते हैं, देखिए अगर आप यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट को हटा करके लैंडस्केप ले लीजिए, देखिए पेज कैसे दिख रहा है, चेंजेस दिख रहा है कुछ। आप यहाँ से भी साइज आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी साइज आप चेंज कर सकते हैं, लेटर साइज ले सकते हैं, यहाँ भी ऑप्शन सारा आपका दिया है। पेज की मार्जिन यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, नैरो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे
अगर आप नॉर्मल लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी नॉर्मल आप ले सकते हैं। तो ये सब पेज की साइज, मतलब पेज की सेटिंग के बारे में बात हो रही है कि पेज पे आप जो डेटा प्रिंट आउट निकालने वाले हैं उसका आप क्या क्या साइज लेना चाहते हैं, पेज की सेटअप क्या क्या करना चाहते हैं। अगला क्या दिया है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कि 10 पेज का अगर कोई डेटा है तो उस पेज की सेटिंग करते करते उस डेटा को हम आसानी तरीके से 5 से 6 पेज में डेटा निकाल देते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए हमको इतना सारा सेटिंग आना चाहिए तभी जाके हम कर पाएंगे, अदरवाइज संभव नहीं कि आप उस चीज को कर पाए। अगला क्या दिया है, क्या दिया है, कॉलम्स। तो कॉलम्स का क्या प्रयोग है, तो देखिए अगर हम कॉलम्स के बारे में बात करें तो आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि न्यूज़पेपर में जैसे कि कई कॉलम में डिवाइड करके डेटा को बनाया गया होता है, जैसे कि 2 कॉलम 3 कॉलम में उसको डिवाइड करके और तब जाकर के डेटा को बनाया गया। तो अगर आप इस लिखे हुए डेटा को 2 से 3 कॉलम में ऐड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सिलेक्शन करना है पूरा डेटा और यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करना है, यहाँ से 2 कॉलम डिवाइड हो रहा है। अरे न्यूज़पेपर में ऐसे देखने को मिलता होगा, ऐसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 कॉलम में भी आप लेके आ सकते हैं। देखिए 3 कॉलम में आपको दिखाएगा, यहाँ पे लेफ्ट कॉलम कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाएगा, राइट में तो कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाएगा। तो ऐसे भी तो क्वेश्चन आती है कि सर हम कितने कॉलम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये तभी काम करेगा जब आपका डेटा ज्यादा मात्रा में हो, जैसे मैं 13 पेज का डेटा लिया हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पे करना क्या है, कॉलम पे चले जाइएगा और भी ज्यादा से ज्यादा, अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा कॉलम में डिवाइड हो जाए तो यहाँ पे मोर कॉलम पे आ जाइए। कहाँ पे आना है, मोर कॉलम पे, और दिया है ना नंबर ऑफ कॉलम्स, अब ये नहीं कि यहाँ पे आप 100 दे दीजिएगा, ओके करेंगे तो 1 से लेके 45 तक ही हो पाएगा, तो 45 एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलिए 45 एक बार करके देखते हैं, नहीं 45 एक बार करके देखते हैं, 45 कह रहा है कि लास्ट आपका 13 तक जाएगा। 13 कॉलम में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, काउंट करिए क्या 13 को है। देखिए 1 2 3 4 5 6, कहाँ काउंटिंग हो पाएगा? हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 कॉलम में डिवाइड हो सकता है, ठीक है अधिकतम। और लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप में भी देख लीजिए, अब लैंडस्केप में करके देखते हैं। पहले यहाँ से 1 कॉलम ले लीजिएगा, अब यहाँ से मोर कॉलम पे आ जाइएगा और यहाँ पे मैंने दे दिया 45, एंटर करिए। इसमें कह रहा है कि अगर ज्यादा ज्यादा लेना चाहते हैं तो 18 कॉलम में हो सकता है, कब, जब पेज आपका लैंडस्केप में हो तब, ओके करिए। अब काउंट करिए क्या हुआ है, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सही है? तो ये पेज का क्या है, कॉलम्स में डिवाइड किया गया है मैटर को, लेकिन ये कब डिवाइड करेगा, तो ये नहीं कि 5 ही पर अगर आप ट्राई करिएगा तब नहीं हो पाएगा, डेटा आपका ज्यादा होना चाहिए तभी तो डिवाइड कर पाएगा। और पुनः 1 नंबर की कॉलम पे लेके आना चाहते हैं तो कॉलम पे क्लिक करके आप यहाँ से 1 कॉलम भी ले सकते हैं, सिंगल कॉलम में आ जाएगा डेटा आपका। ओरिएंटेशन चेंज करना है तो यहाँ से पोर्ट्रेट आप ले लीजिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए यहाँ पे एक आसन अगला दिया है ब्रेक्स, तो ब्रिक्स का क्या प्रयोग है, तो जैसे कि ब्रिक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें पहला दिया है पेज, दूसरा दिया है कॉलम, तीसरा दिया है टेक्स्ट रैपिंग, इसके बाद से नेक्स्ट पेज, इसके बाद से कंटिन्यूअस, और इसके बाद से इवन, और इसके बाद से ऑड। तो जैसे कि पेज के बारे में बात करें तो पेज और ब्रेक ऐसे ही तो पढ़ा जाएगा, पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था, इंसर्ट मेनू में पेज ब्रेक के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था, इसका क्या प्रयोग नेक्स्ट था, पेज ब्रेक, पेज ब्रेक के बारे में मैंने पढ़ाया था कि जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा कर्सर है और हम ये चाहते हैं कि इसमें जो भी डेटा है फर्स्ट पेज पे कह रहा है कि केवल हम ही रहेंगे बाकी किसी को हम नहीं रहने देंगे, तो ये ब्रेक करके क्या कर देगा, दूसरे पेज पे ट्रांसफर कर देगा डेटा। नाम है पेज ब्रेक लेकिन ब्रेक पेज को नहीं करता है, मैटर को ब्रेक करता है, जहां पे आपका कर्सर रहेगा। जैसे देखिए इसकी जानकारी करने के लिए हम इसकी कलर को चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आ सके। अब देखिए अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि सर केवल रेड वाला जो आपने पैराग्राफ लिखा है उसी को फर्स्ट पेज पे रहने दीजिए बाकी सब अगले पेज पे ट्रांसफर कर दीजिए, तो कर्सर यहीं पे लेके आइएगा,
और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस इंटर। क्या होती है? कंट्रोल प्लस इंटर। या तो कंट्रोल इंटर दबाइए, या तो आप पेज लेआउट में आ जाइएगा और यहां से ब्रेक्स पे आने के बाद यहां से आप पेज ब्रेक का आप इस्तेमाल कर दीजिए। क्या देखने को मिला? देखिए रेड लाइन वाला केवल ऊपर रहेगा, बाकी सबको भेज देगा क्या? सेकेंड वाले पेज पे ट्रांसफर कर देंगे, हो जाएगा। तो ये हमारा पेज ब्रेक वर्क होता है। अगला क्या दिया है? तो अगला दिया है कॉलम। ये भी ब्रेक करेगा लेकिन पेज में नहीं, कॉलम में ब्रेक करेगा, सॉरी पैराग्राफ में नहीं, कॉलम में ब्रेक करेगा। जैसे पूरे डेटा को आपने सिलेक्शन किया तो पहले तो आप इसको कॉलम में बनाएंगे तभी तो ब्रेक कर पाएंगे। तो आप यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से कॉलम पे क्लिक करिएगा और इसमें ले लीजिएगा टू कॉलम। अब देखिए, अब हम ये चाहते हैं कि रेड के बाद जितना भी फर्स्ट कॉलम में है वो सब सेकेंड वाले कॉलम में चला जाए। तो कर्सर यहाँ पे आइए और इसके बाद से ब्रेक्स पे आइए और यहां से कर दीजिए कॉलम का प्रयोग। देखिए हट गया, ठीक है, हुआ है चेंजेस। फिर आप यहाँ पे आइए, यहां से उठा करके इसमें भेजना है तो पुनः आप ब्रेक्स पे आइए और यहां से कर दीजिए कॉलम। मतलब ब्रेक करके पहले वाले डेटा को दूसरे जगह भेजने का काम कर देता है कंट्रोल जेड। जैसे कि यहीं से अगर आपको ब्रेक करना है तो यहीं से ब्रेक्स पे आइए, कॉलम से ब्रेक कर लीजिए, यहां से हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्या दिया है? तो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ये है आपका टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग का क्या प्रयोग है? तो जैसे कि कर्सर हमारा टी के पास है ना, और हम लेके आना चाहते हैं बी के पास और बीच में स्पेस भी नहीं देना चाहते, तो कैसे आएगा बताइए? माउस का इस्तेमाल नहीं करना है, ऑप्शन का प्रयोग करना है टेक्स्ट रैपिंग। तो जैसे कर्सर हमारा टी के पास है, अगर इंटर दबाएंगे तो कर्सर बी के पास तो आएगा लेकिन बीच में स्पेस मिल गया। देखिए अब यहां से बैक स्पेस से हटाइए, लेकिन हम ये चाहते हैं कर्सर हमारा टी के पास है और बी के पास आ जाए, तो इसके लिए आप चले आइएगा ब्रेक्स पे और यहां से करना है टेक्स्ट रैपिंग। आ गया कर्सर, क्या बीच में लाइनिंग चेंज हुआ है? यहां पे आ जाइएगा और यन के पास है टी के पास लेके आना है और ब्रेक्स पे आइए और टेक्स्ट रैपिंग का इस्तेमाल कर लीजिए। हो रहा है चेंजेस? यहाँ पे आ जाइए और यहाँ से आपको डब्ल्यू के पास लेके आना है, ब्रेक्स पे आइएगा, टेक्स्ट रैपिंग का इस्तेमाल कर दीजिएगा। अब ये नहीं कि यहाँ से भेजिएगा तब नहीं होगा, ये लास्ट वाले पॉइंट से ही काम करेगा। अब ये नहीं कि यहीं से कूदाइए तब नहीं हो पाएगा, यहाँ से ये जंप करेगा, ये जंप करके स्टार्टिंग वाले लाइन पे आ जाएगा जहां से शुरुआत हुआ होगा। हो जाएगा प्रैक्टिकल, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब ब्रेक्स में अगला क्या ऑप्शन दिया है? नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज कहाँ इसका प्रयोग किया जाता था? दूसरे पेज पे जाने के लिए। कब? हेडर और फुटर के साथ। अरे जैसे ही हम हेडर फुटर का प्रयोग करते थे तो फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आते थे, नेक्स्ट पेज करते थे तो कर्सर हमारा अगले पेज पे चला जाता था, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे देखिए, पेज के लास्ट में आ जाइएगा तो फर्स्ट पेज को अगर ब्रेक करके सेकंड पेज पे कर्सर को लेके जाना हो तो ब्रेक्स पे आइएगा और नेक्स्ट पेज कर दीजिए। आ गया कर्सर। तो एक पेज से दूसरे पेज पे अगर ब्रेक करके आपको जाना हो तो इसके लिए ब्रेक्स ऑप्शन में नेक्स्ट पेज का हम इस्तेमाल करते हैं। अब कंटिन्यूअस क्या है? तो कंटिन्यूअस का प्रयोग देखिए, जैसे अगर आप ये चाहते हैं, जैसे कि यहां पे देखिए फुल स्टॉप लगा है, तो फुल स्टॉप लगने के बाद पहला लेटर कैपिटल हो गया है। ये सेंटेंस केस का रूल है कि जहां पे फुल स्टॉप लगता है उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। अब हम ये चाहते हैं कि यहां से नीचे से लिखा जाए, यहीं से लिखना ये स्टार्ट कर दिया, मतलब इसको पैराग्राफ बना लिया जाए, किसको? वेन से। तो यहाँ पे क्लिक करिएगा कर्सर और लाइन यहाँ पे ब्रेक्स पे आइए और यहां से कर दीजिएगा कंटिन्यूस, ठीक है? जहां से भी आपको ब्रेक लगाना है, जैसे कि यहीं से आप पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो लाइन यहाँ पे ब्रेक्स पे आइए और कर दीजिए कंटिन्यूअस। हो रहा है चेंजिंग? यहाँ पे आ जाइएगा और यहीं से आप डिस्टेंस यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे, और यहाँ से अलग पैराग्राफ बनाना चाहते हैं, बस यहीं पे कर्सर को लेके जाइए और ब्रेक्स पे आइएगा और यहाँ से कंटिन्यूअस, हो जाएगा। अब चलिए अब लास्ट ऑप्शन, दो ऑप्शन के पास बस पढ़ाएंगे। इवन पेज और ऑड पेज क्या होता है? इवन का मतलब सम और ऑड का मतलब विषम। वो सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए, इवन इवन नंबर होता है ना, वे सभी संख्याएं
जो दो से विभाजित हो जाए उसको क्या बोलते हैं? इवन बोलते हैं, जिसको हिंदी में सम संख्या के नाम से जाना जाता है। और विषम क्या होता है? जो दो से ना कटे, जो दो से विभाजित ना हो, उसी को तो विषम बोलेंगे। तो जैसे कि दो से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी है? चार, छह है, आठ है, 16 है, 32 है, 64 है ना ये सारे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे हम कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे हम इंसर्ट पे आकर के और यहाँ से कुछ ब्लैंक पेज हम इंसर्ट करा देते हैं। देखिए टोटल 9 को पेज हो गया। अब सबसे हम टॉप पे आ जाते हैं, कंट्रोल प्लस होम बटन दबाकर। अब देखिए एक नंबर पे है और डायरेक्टली 3 नंबर पे जाना है, तो कौन सा? ऑड की इवन? और ऑड, ऑड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले कहाँ पे आना है? पेज लेआउट पे और ब्रिक्स पे आइए और यहाँ से कर दीजिएगा ऑड। देखिए सीधे 3 नंबर पे लेके आ गए, आ गया ना। अब चलिए पुनः बीच में आ जाते हैं, 2 नंबर के पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे 2 नंबर के पेज पे आप आ जाइएगा, चूंकि ये ब्रिक्स करके करता है, ध्यान दीजिएगा, ये ब्रेक्स करके करता है तभी जाके इसका इस्तेमाल हो पाता है। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर के पेज पे, यहां से आ जाते हैं दूसरे नंबर के पेज पे। देखिए यहाँ पे बता रहा है ना, टू ऑफ नाइन, 9 को पेज खुला हुआ, अभी प्रेजेंट में किस पेज पे है? 2 नंबर के पेज पे। और 2 नंबर से छलांग लगा के जाना चाहते हैं किस नंबर के पेज पे? ठीक 4 नंबर के पेज पे। तो पुनः ब्रेक्स पे आइए और यहां से क्या लेंगे? है इवन का प्रयोग करेंगे, इस पे क्लिक करिएगा, इवन इवन वाले ऑप्शन पे आपको चले जाएंगे, 2 से सीधे 4 पे लेके आ जाएंगे। अब 4 से छलांग लगाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अच्छा 6 पे नहीं जाएंगे, पहले 6 पे जाएंगे ना। यहाँ पे इवन पे क्लिक करिए, अब सीधे 6 नंबर पे चले जाएंगे। आप छलांग लगाएंगे तो कहाँ जाएंगे? 8 नंबर पे। देखिए यहाँ से बस इवन पे क्लिक करिए, 8 नंबर के लेके चला जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो पेज की संख्या भी तो इंक्रीज होने लगेगी ना, क्योंकि आप ब्रेक करके आप जा रहे हैं, तो पेज को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रेक करके इवन पेज ऑड पेज का आप इस्तेमाल करके जा सकते हैं। कोई दिक्कत? आप यहाँ पे दिया है लाइन नंबर, इसको हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि ज्यादा पढ़ा देंगे तो समझ में नहीं आएगा, इतना पहले प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक?